हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th साइंस का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बहुत ही अच्छे से करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो में, तो मेरे साथ पूरा चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाओ। बहुत ही जल्दी से हम पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म करने जा रहे हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के बहुत बढ़िया से नोट्स चाहिए तो आप मंदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शुरू करते हैं बच्चों, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई और अपने आसपास के कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। तो हम जब चैप्टर के अंदर टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन आई की। हमारी जो आंख है बच्चों, हम ह्यूमन बींग्स जो है, देखने में ह्यूमन बींग ही लग रहा हूँ मैं आपको, हमारी जो आंख है उसकी बात करते हैं। हमारी आंख के एक एक पार्ट की यहाँ पर बात करनी है हमको, और आई के एक एक पार्ट के फंक्शन की बात करनी है, और ओवरऑल पूरी आई की वॉकिंग की बात करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारी आंख का फ्रंट व्यू आप देख रहे हो ऐसा होता है, साइड व्यू आप देख रहे हो ऐसा होता है, साइड व्यू ऐसा नहीं होता। आप अगर देखोगे तो जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो हटा दी गई है, और आपको ये दिखाया गया है कि अंदर से आंख को साइड से देखोगे तो वो कैसी दिखाई देती है। ठीक, तो क्या क्या पार्ट्स हैं बच्चों आंख के? आंख का ये जो आप देख रहे हो गोला, ठीक, इसको बोलते हैं आई बॉल, जिसका डायमीटर अराउंड 2.4 सेंटीमीटर होता है। इस आई बॉल के सामने एक आप ऐसे निकला हुआ पार्ट देख रहे हो, जिसका ये कर्वेचर यहाँ पे देख रहे हो, है ना। नॉर्मली आई बॉल ये रही और ये थोड़ा कर्व्ड पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ये आंख की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, राइट। अच्छा, अब जरा मैं सामने से दिखाऊं तो आपको बाकी पार्ट समझ में आएंगे। आप देख रहे हो कि सबकी आंखों में एक ऐसा कलर्ड पार्ट होता है, आपकी आंखों में भी होगा। किसी की कलर, किसी का ये कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का लाइट ब्राउन, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है, राइट। इस कलर्ड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं आयरिस। कलर्ड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आयरिस। ठीक, ये कलर्ड क्यों होता है बच्चों? हम सबकी आंख में आयरिस के अंदर एक पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट क्या करता है कि सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और हमें अपनी आंख उसी कलर की नजर आती है। तो अगर किसी की आंखें ग्रीन कलर की हैं, तो उसकी आंखों में क्या हो रहा है कि जितनी भी लाइट फॉल कर रही है, आयरिस सारे कलर्स एब्जॉर्ब करके ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमें उस बंदे की आंख का आयरिस जो है वो ग्रीन कलर का दिखता है। आंखों का जो कलर है, जिसको हम बोलते हैं कि उसकी आंखों का कलर ये है, उसकी आंखों का कलर ये है, वो आंखों का कलर बेसिकली किसका कलर होता है? आयरिस का कलर होता है। आयरिस के अंदर सेंटर में आपको ब्लैक कलर का गोला दिखेगा, इसको बोला जाता है प्यूपिल। ये सबकी आंखों में ब्लैक ही होगा, बिकॉज ये एक होल होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है और अंदर जाती है, आंख के आईबॉल के अंदर जाती है, राइट। ये यहां पे आप देख रहे हो ब्लू कलर का, यहां पे हम आयरिस देख सकते हैं, और ये है गोला बीच में जो ब्लैक कलर का है, यानी कि प्यूपिल। इसके थ्रू लाइट अंदर जाएगी आंख के पिछले हिस्से पे, वहां पे क्या होगा अभी बताते हैं। तो तीन पार्ट, सबसे पहले कॉर्निया जो आउटर इसकी कवरिंग है ट्रांसपेरेंट होती है, उसके बाद ये कलर्ड पार्ट आयरस, और सबसे अंदर ब्लैक गोला प्यूपिल, छेद है वो जहां से लाइट अंदर जाती है। यहां से तो लाइट अंदर जा नहीं सकती, ये तो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, एक रिफ्लेक्ट करता है, तो पूरी की पूरी लाइट अंदर कहां से जाती है? प्यूपिल से अंदर जाती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब बात करते हैं बाकी पार्ट्स की। बच्चों, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो कॉर्निया और आयरिस के बीच का, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये भरा रहता है एक वाटरी सब्सटेंस से, जिसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? एक्वस ह्यूमर। एक्वस मतलब वाटर, राइट। एक्वस ह्यूमर 99% वाटर होता है, कुछ प्रोटीन्स मिनरल्स वगैरह भी होते हैं 1% इसके अंदर, बट मेनली इट इज वाटर, सो इट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, राइट। उसके बाद आंख के पिछले हिस्से पे लेंस होता है। यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो है यहां पे लेंस है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आंख का, अगर हम ऐसा डायग्राम बनाएं तो ये बल्जिंग पार्ट हो गया, ठीक है, और यहां पे हम लेंस बना सकते हैं, लेंस, और ये लेंस जो है
कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स के थ्रू आई बॉल से कनेक्टेड होता है एंड दोज मसल्स आर कॉल्ड सीलियरी मसल्स, राइट। यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप का लेंस होता है एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का, राइट, और जो सबसे पीछे वाला सरफेस है आंख का इसको बोला जाता है रेटिना, और ये रेटिना कनेक्टेड होता है ऑप्टिकल नर्व से। जब रेटिना पे इमेज बनती है, अभी पूरी वर्किंग बताऊंगा, जब जब लाइट रेज आ रही हैं और रेटिना पे आकर मिल रही हैं जहां इमेज बन रही है, तो रेटिना पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो उन लाइट रेज को लेकर एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन में पहुंच जाते हैं और ब्रेन उनको इंटरप्रेट करके हमें दिखाता है कि जो भी इमेज हम अपने सामने देख रहे हैं उसको, ठीक है, ओके। तो ये आंख के हमारे सारे पार्ट्स हो गए, एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं अगर एक आधी चीज अभी क्लियर नहीं हुई तो। यहां पर ये जो ये वाली जगह आप देख रहे हो आई लेंस और रेटिना के बीच में, ये आईबॉल से आईबॉल का जो मेजर पार्ट है ये भरा रहता है एक और जेली लाइक सब्सटेंस से विच इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब होता है ग्लास जैसा, बट ये ग्लास जैसा सॉलिड हार्ड नहीं होता है, ये जेली लाइक होता है। इसके दो तीन फंक्शंस हैं, बट मेन फंक्शन इसका ये है कि आईबॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है, नहीं तो पिचकना जाती है आईबॉल, है ना। और क्या रह गया, रेटिना हो गया, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, कॉर्निया, आयरस, सीलियरी मसल्स और आंख का लेंस, ओके। तो एक एक करके देखो, बुक की लैंग्वेज में बताना जरूरी है ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। मैं आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ाने नहीं आया हूं, आपको चैप्टर प्रिपेयर करवाने आया हूं, ठीक है। तो जरा देखें, कॉर्निया, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट कर्व्ड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, क्लियर। प्यूपिल, डार्क सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आयरिस, डार्क सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आयरिस। आयरिस क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई सराउंडिंग द प्यूपिल कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। अभी फंक्शन की बात करेंगे एक एक, धीरे धीरे चलेंगे आराम से, ठीक है। आयरिस, आयरिस की बात हो गई। एक्वस ह्यूमर, क्लियर फ्लूइड फिलिंग द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस मेंटेन्स द आईज शेप एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। विट्रस ह्यूमर, जेल लाइक सब्सटेंस फिलिंग इन द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ द आई। रेटिना, इनर मोस्ट लेयर एट द बैक ऑफ द आई कंटेनिंग फोटो रिसेप्टर सेल्स दैट कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ऑप्टिक नर्व, ये जो ब्रेन को जा रही है, ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। विजुअल इंफॉर्मेशन मतलब जो इमेज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स आर मसल सराउंडिंग द लेंस, एडजस्ट द शेप ऑफ द लेंस टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ओके, चलो ये हो गए हमारे आई के पार्ट्स। अब हम बात करते हैं वॉकिंग की। बच्चों, सबसे पहले कॉर्निया पे लाइट गिरेगी आके, ठीक है। ऐसे लाइट आई, आंख के कौन से पार्ट को सबसे पहले हिट करेगी, कॉर्निया को सबसे पहले हिट करेगी। तो कॉर्निया को उसने सबसे पहले हिट करा, फिर कॉर्निया से वो अंदर गई तो वहां पे उसको मिला एक्वस ह्यूमर, है ना। यहां पे उसको क्या मिला, यहां पे उसको थोड़ा डार्क में लिख देता हूं, यहां पे उसको क्या मिला, एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर में जब लाइट आई, देखो यहां तो एयर थी, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1 और वाटर में आ गई लाइट, है ना। तो वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3, दैट इज 1.3 थी। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में चेंज हुआ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में चेंज हुआ तो ये बेंड होगी, है ना। तो ये लाइट रे जब यहां पर आएगी, ये लाइट रे जब यहां पे आएगी तो ऐसे बेंड कर जाएगी, है ना। लाइट रे जब यहां पे आएगी तो एक्वस ह्यूमर में एंटर करेगी तो क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। और जब वो बेंड कर जाएगी यानी कि यहां पे उसकी रिफ्रेक्शन स्टार्ट हो गई है। अब बाकी काम बचेगा आई लेंस का। अब आई लेंस मेक श्योर करेगा कि उसको फर्दर एडजस्ट करके उसकी बेंडिंग को ऐसा कर दे कि वो कहां पर मीट करे, रेटिना पर मीट करे, राइट। आपने लाइट चैप्टर पढ़ा है, लाइट चैप्टर में आपने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा कि वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, जब उस पर लाइट फॉल करती है तो लाइट एक पर्टिकुलर पार्ट की तरफ कन्वर्ज करती है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहां पे सबसे पहले रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ने रिफ्रैक्शन करी और बाकी की फाइन एडजस्टमेंट कौन कर रहा है, जो आंख का लेंस है कॉन्वेक्स शेप का। एंड दिस लेंस मेक्स श्योर दैट द लाइट रेज
मीट एट द रेटिना, और रेटिना स्क्रीन की तरह काम करता है जहां पर इमेज बनती है। तो लाइट रेज को रेटिना के सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन में चले जाते हैं। अब यहां पर वर्किंग एज इट इज यहां पर वर्किंग लिखाना, जो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं नोट्स ले लेना मंदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। सो लाइट एंटर्स द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, ठीक। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, ये जो आयरिस है, आयरिस का एक मेजर काम है। अब लाइट एंटर कहां से कर रही है, मैंने बताया आपको लाइट एंटर आंख में लाइट कहां से एंटर कर रही है, प्यूपिल से। कॉर्निया तो इसके पूरी आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, तो उसके अंदर जब जाएगी तो आंख के पीछे वाले हिस्से पे लाइट कैसे जाएगी, प्यूपिल के थ्रू। अब प्यूपिल का साइज कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितनी लाइट की इंटेंसिटी में है। सपोज मैं धूप में खड़ा हूं, तो धूप में अगर मैं खड़ा हूं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइट है, तो मेरे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा ताकि मेरे रेटिना पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ना चली जाए लाइट की, ताकि उसके सेल्स डैमेज ना हो जाएं। तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये काम कौन करता है, आयरिस। देखो आयरिस अपने आप को ऐसे कर लेगा, है ना, और ये प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, फिर आयरिस अपने आप को ऐसे खोल लेगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। प्यूपिल का साइज हमें बड़ा तब करना होता है जब हम किसी अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं लाइट वाली जगह से, वहां पे इंटेंसिटी कम रहती है, तो अब हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लाइट जाए हमारी आंख के अंदर, तो प्यूपिल का साइज जो है वो क्या होना पड़ेगा, उसके लिए बड़ा होना पड़ेगा। तो आयरिस हेल्प करता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने में, ठीक। सो लाइट एंटर्स द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, द आयरिस एंड प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग बाय डायलेटिंग और कॉन्स्ट्रिक्टिंग द प्यूपिल, ठीक है ना, बड़ा छोटा करता है उसको। द आई लेंस फर्दर रिफ्रैक्ट्स एंड फोकसेस द लाइट ऑन टू द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। द रेटिना कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स रॉड्स एंड कोन्स। रेटिना में मैंने बताया स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल बोलते हैं उनको, मतलब फोटो मतलब लाइट और रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला, जो जिन पे लाइट फॉल करती है और वो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट। उन दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, बट वी विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। दैट कन्वर्ट लाइट इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, these signals are transmitted via the optic nerve to brain's visual cortex for processing and interpretation. जो part brain का इस light signal को process करता है वो है cortex, right? The brain then reconstructs the electrical signals into images we perceive, allowing us to see and understand our surroundings. राइट, नाउ लेट अस क्विकली रीड द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। हम कर चुके हैं बट फिर भी बुकिश लैंग्वेज में मैं लिख लाया हूं ताकि आपको बता सकूं। कॉर्निया रिफ्रैक्ट्स एंड बेंड्स इनकमिंग लाइट रेज टू फोकस देम ऑन टू द लेंस, एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द इनर पार्ट्स ऑफ द आई। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू फंक्शंस ऑफ दिस, राइट टू फंक्शंस ऑफ दैट, तो उसके लिए मैं ये लिख लाया हूं। Regulates the amount of light entering the eye by dilating or constricting. यहाँ पे बात हो रही है pupil की. Helps to control the depth of field, allowing better focus on near or distant objects. ये make sure करता है कि हमें पास और दूर के objects जो हैं वो clearly focused way में दिख सकें. Iris की बात करते हैं. Controls the size of pupil based on the intensity of light, protecting the retina from excessive light exposure. मैं clear कर चुका हूँ. Gives the eye its characteristic color. Eye lens की बात करते हैं. Refracts light to further focus it onto the retina for clear vision. Accommodates by changing its shape to focus on objects at different distances. इसकी हम अभी बात करेंगे. Power of accommodation. जो हमारी आंख के अंदर का lens है, ciliary muscles की help से वो अपनी thickness बदल सकता है, जिससे उसकी focal length और power change हो जाती है। इससे हमें पास के और दूर के objects को देखने में मदद मिलती है, but हम इसकी बात करेंगे अभी। Aqueous humor, यहाँ पे जो liquid है aqueous humor, provides nourishment and oxygen to cornea and lens, helps maintain the shape and pressure within the eye. Vitreous humor maintains the shape and structure of the eyeball, assists in transmitting light to retina for image formation.
ये भी हेल्प करता है क्योंकि ये भी एक ऐसा मटेरियल है जिसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो ये भी लाइट को गाइड करता है रेटिना पे ताकि वो प्रॉपरली फोकस हो सके। विट्रस ह्यूमर, रेटिना का काम, कंटेन्स फोटोरिसेप्टर सेल्स दैट कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, सेंड्स दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन फॉर विजुअल प्रोसेसिंग। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन्स विजुअल कॉर्टेक्स, ये हम बात कर चुके हैं वॉकिंग के अंदर। एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन आई एंड द ब्रेन, आंख और ब्रेन के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हो रहा है। सीलियरी मसल, सीलियरी मसल्स का काम होता है एडजस्ट द शेप ऑफ द लेंस टू अकोमोडेट फॉर नियर एंड फार विजन, मैंने बोला इसकी हम बात करेंगे अभी। हेल्प मेंटेन द टेंशन ऑन द लेंस इंश्योरिंग प्रॉपर फोकसिंग एबिलिटी, इसकी भी अभी बात होगी पावर ऑफ अकोमोडेशन में। लो आई गया पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो क्या होता है बच्चों कि जैसे ये हमारी आई बॉल है, ठीक, ये हमारी आई बॉल है, ठीक है, ये आई बॉल है और यहां पे ये रहा लेंस, ठीक है, और ये लेंस जो है ये आंख से जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स विच आर कॉल्ड सीलियरी मसल्स। अब क्या होता है आप सोचो, सोचो जरा दिमाग लगाओ कि अगर मैं कोई दूर की चीज देख रहा हूं, ठीक है, मैं दूर की चीज देख रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उससे लाइट रेज जो आएंगी वो नियरली कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, है ना, और जब वो मेरे रेटिना पे मीट करेंगी तो कुछ इस तरीके से होगा। अब आप सोचो कि इन लाइट रेज में बेंडिंग कितनी हुई, इन लाइट रेज में बेंडिंग हुई, पहले तो ऐसे सीधा आ रही थी ना, अगर हम देखें कि बेंडिंग एंगल कितना है इन लाइट रेज का, तो इन लाइट रेज का बेंडिंग एंगल है इतना, है ना, और इसका है इतना, राइट। लेकिन अगर आप सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास पड़ा हो, अब हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, चलो पिंक कलर से लाइट रेज बनाते हैं, ये पास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पास का ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज भी रेटिना पे ही बननी है, रेटिना तो आगे पीछे शिफ्ट नहीं होगा, है ना, तो इसकी इमेज भी ऐसी बननी चाहिए यहाँ पे। ये पास का ऑब्जेक्ट है, वह दूर से आ रही, तो आप देखो जरा इसमें कितनी ज्यादा बेंडिंग करनी पड़ गई, ये तो ऐसे जा रही थी और ये ऐसे जा रही थी, तो यहाँ पे कितनी ज्यादा बेंडिंग करनी पड़ गई, इसको इतना ज्यादा बेंड करना पड़ गया, इसको भी इतना ज्यादा, यानी कि पास के ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है उन्हें तो बहुत ज्यादा रिफ्रैक्ट करना है, और दूर के ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है उनको कम रिफ्रैक्ट करना है, और करना एक ही लेंस से। अब आंख का लेंस तो बदल नहीं सकते भाई, रिफ्रैक्शन के अंदर तुमने पढ़ा है कि कम पावर का लेंस होता है, ज्यादा पावर का लेंस होता है, कम पावर का लेंस कम रिफ्रैक्ट करता है, ज्यादा पावर का लेंस ज्यादा रिफ्रैक्ट करता है, यहां पर तो एक ही लेंस से हमने कम रिफ्रैक्ट भी करवाना है और ज्यादा भी करवाना है, तो हमें एक जादू चाहिए, और वो जादू ये है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये लेंस अपनी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, अपनी वो तो चलो टर्म हो गई, वो तो अभी मैंने क्लियर नहीं करी, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके और पावर को एडजस्ट कर सके, है ना, क्योंकि आप जानते हो लाइट चैप्टर की नॉलेज से कि जो पावर है वो फोकल लेंथ पे तो डिपेंड करती है। तो सेकेंड केस में यानी कि जब पास है ऑब्जेक्ट तो ज्यादा पावर का लेंस चाहिए क्योंकि ज्यादा बेंडिंग करनी है, और जब दूर है ऑब्जेक्ट यानी इन्फिनिटी पे है जब ऑब्जेक्ट तो हमें कम पावर का लेंस चाहिए, तो जब पास ऑब्जेक्ट है तो ज्यादा पावर का लेंस चाहिए, ज्यादा पावर का लेंस चाहिए तो मतलब कम फोकल लेंथ, तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, उसके लिए नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हमें चाहिए लेस फोकल लेंथ ताकि मोर पावर हो, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए लेस फोकल लेंथ चाहिए ताकि पावर ज्यादा हो, और फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें मोर फोकल लेंथ चाहिए ताकि कम पावर हो। तो क्या होगा, ये रेज जितना ज्यादा समय लगाएंगी लेंस से पास होने में, बेंड कौन कर रहा है, लेंस कर रहा है, तो ये रेज लाइट रेज जितना ज्यादा समय लगाएंगी लेंस से पास होने में बेंडिंग उतनी ज्यादा नहीं हो जाएगी, है ना, जैसे ये पतला लेंस है, अब यहां से लाइट आई इतनी बेंड करी और आगे निकल गई, अब अगर मैं मोटा लेंस बनाऊं, अगर मैं मोटा लेंस बनाऊं, देखो ये मोटा लेंस है ना, अब ये मोटा लेंस है तो यहां से लाइट घुसी बेंड करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, और कितनी बेंड कर जाएंगी, तो हमें ज्यादा बेंडिंग करवानी हो यानी ज्यादा पावर चाहिए हो तो मोटा लेंस चाहिए, और अगर कम बेंडिंग करवानी हो यानी कम पावर चाहिए तो पतला लेंस चाहिए। तो सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, ऐसे खींच जाती हैं या रिलैक्स हो जाती हैं जिससे इस सेल
इस लेंस की सॉरी थिकनेस बदलती है एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन और आंख की ही प्रॉपर्टी है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ये हमें पास के ऑब्जेक्ट्स और दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करती है। The eye lens is made up of fibrous jelly-like material. The curvature of lens can be adjusted by ciliary muscles, affecting its focal length. The ciliary muscles relaxation causes the lens to become thin. जब ciliary muscles relax हो जाती हैं, तो lens क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, ठीक है? तो उसकी focal length बढ़ जाती है ना? पतला हो जाता है। अभी दिखाया ना आपको? जब lens पतला हो जाएगा तो बहुत ही कम बेंडिंग होगी तो बहुत दूर मीट करेंगी रेस तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी पावर घट जाएगी। तो द सिलियरी मसल्स रिलैक्सेशन कॉसेस द लेंस टू बिकम थिन इंक्रीजिंग इट्स फोकल लेंथ फॉर क्लियर डिस्टेंट विजन। पतला लेंस कहां चाहिए? दूर का देखने के लिए। और जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनका कर्वेचर बढ़ जाता है लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है पावर बढ़ जाती है फोकल लेंथ कम हो जाती है और हमें पास की चीजें देखने में हेल्प मिलती है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। द फोकल लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। ऑब्वियसली ये नहीं कि आप फोकल लेंथ घटाए जा रहे हो मतलब लेंस को मोटा करके पावर बढ़ाए जा रहे हो फोकल लेंथ घटाए जा रहे हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल ही यहां से लाइट आए और बिल्कुल यहां मिल जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुछ तो मिनिमम फोकल लेंथ रहनी ही होगी ना। और ऐसा है आप 25 सेंटीमीटर से पास अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाओगे देखो ये जो मोटा लेंस है ज्यादा पावर का ये किनको देखने के लिए है? पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। लेकिन कितना पास? 25 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा पास आप किसी ऑब्जेक्ट को लाओगे अपने आंख से तो सिलियरी मसल्स कहती है कि भैया अब हमसे और ना हो पाएगा और मोटा हम नहीं कर सकते लेंस को तो आप इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाओगे। सो दैट 25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या मतलब है? ये कह रहा है कि कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए तो आपको उनकी सेपरेट इमेज दिखेगी। अगर 25 सेंटीमीटर से पास आ गए तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की इमेज आपको बिल्कुल ओवरलैप दिखेगी। आप करके देख सकते हो दो चीजों को अपनी आंख के बहुत पास लाओ आपको उनकी इमेज एक दूसरे में घुसी हुई दिखेगी। तो 25 सेंटीमीटर को बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कि कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए चीजों को डिस्टिंक्टली देखने के लिए। क्लियर? फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई कि कम से कम इतने डिस्टेंस पे पास होना चाहिए ऑब्जेक्ट इससे पास नहीं होना चाहिए नहीं तो नहीं दिखेगा क्लियरली। दैट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। और फार पॉइंट मतलब दूर तक कितना देख सकती है तो दूर तक तो इन्फिनिटी तक देख सकती है। एक नॉर्मल आंख मेरे जैसी नहीं जिसके चश्मा नहीं लगा अच्छी खासी आंख इन्फिनिटी तक देख सकती है। सो नियर पॉइंट ऑफ द आई इज 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट ऑफ द आई इज इन्फिनिटी। कैटरेक्ट एंड विजन लॉस। कभी कभी क्या होता है कि एज के साथ हमारी आंख का जो लेंस है वो मिल्की या क्लाउडी हो जाता है तो एक प्रॉब्लम आती है जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं हिंदी में उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। उससे क्या होता है हमारी आंख का लेंस मिल्की हो गया क्लाउडी हो गया यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं रहा तो उसके थ्रू लाइट जो है वो ठीक से पास नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है कि दिखना बहुत कम हो जाता है या कुछ केसेस में बिल्कुल ही बंद हो जाता है दिखना। ठीक है? कैटरेक्ट कॉसेस पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो इसके लिए क्या करें? कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी इज अ वायबल ऑप्शन टू रिस्टोर विजन फॉर इंडिविजुअल्स विद कैटरेक्ट। कैटरेक्ट सर्जरी में क्या किया जाता है कि आपका जो क्लाउडी लेंस है उसको रिमूव किया जाता है और उसको एक आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस किया जाता है बढ़िया ट्रांसपेरेंट आर्टिफिशियल लेंस से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आंख में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया को बोला जाता है नियर साइटेडनेस। नाम से पकड़ो नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखना मतलब दूर का ना दिखना राइट। सो दैट इज कॉल्ड मायोपिया नियर साइटेडनेस। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना एज शोन
The image is not focused directly on retina, leading to blurred vision for distant object. क्या होता है बच्चों कि मायोपिया में आपको दूर की चीज क्लियरली नहीं दिखती. अब क्या होता है, देखो नॉर्मल आई को जिसको मायोपिया नहीं है, एकदम हेल्दी आई, क्या जो फार पॉइंट है जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो फार पॉइंट कितना है, इनफिनिटी है. यानी कि एक नॉर्मल हेल्दी आंख इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्लियरली देख सकती है. लेकिन एक मायोपिक आई एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही देख सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आंख से यहां तक का डिस्टेंस है 10 मीटर. ये एक मायोपिक आई है, यानी एक ऐसे बंदे की आंखें जिसको मायोपिया है. तो 10 मीटर तक तो जो भी ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट आ रही है वो तो रेटिना पे मीट करेगी, तो 10 मीटर तक जो भी ऑब्जेक्ट है उसे क्लियर दिखेगा बिना किसी प्रॉब्लम के. लेकिन 10 मीटर के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ क्या हो रहा है जरा देखें. अब ये था ओ, लेकिन 10 मीटर तक, अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है देखो, जो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा ये मायोपिक आई का फार पॉइंट है, विच इज इन आवर एग्जांपल इट इज 10 मीटर. राइट, इनफिनिटी नहीं है, 10 मीटर है. लेकिन 10 मीटर के बियॉन्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जरा देखें क्या होगा. 10 मीटर के बियॉन्ड जो ऑब्जेक्ट है देखो, उनसे जो लाइट आ रही है वो रेटिना पे नहीं मिल रही है, वो रेटिना से पहले ही मिल जा रही, तो हमें ऑब्वियसली वो क्लियरली नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज हमें तो वही ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं जिनकी इमेज रेटिना पे बनती है. तो हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे जो इस पॉइंट के बियॉन्ड होंगे. तो ये प्रॉब्लम आती है मायोपिया के अंदर. ठीक है, तो कैसे करेक्ट किया जाए मायोपिया को. सबसे पहले तो हम देखें कि मायोपिया होगा क्यों, किस वजह से होगा. तो कॉजेस पूछे जाते हैं मायोपिया के. एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. आप ये देख रहे हो कि यहां पे हुआ क्या है, यहां पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ना कि जो आंख का लेंस है उसकी पावर बढ़ गई है, क्योंकि वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है. हम कह रहे हैं कि भाई इतना नहीं कन्वर्ज करना था, थोड़ा कम कन्वर्ज करना था ताकि और पीछे मिलती रेस, तो उसने तो बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर दिया. मतलब उसकी पावर बढ़ गई, यानी कि हमारा जो आंख का लेंस है वो थोड़ा मोटा हो गया, यानी उसमें से लाइट जो है अब ज्यादा समय ले रही है पास करने के लिए, इसलिए वो ज्यादा बेंड हो रही है. राइट, तो पहला कारण हो सकता है मायोपिया का, हो नहीं सकता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ज्यादा मोटा हो गया है ना. इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, या तो आपकी आई बॉल ही लंबी हो गई है तो रेटिना आपका पीछे खिसक गया है. ये कह रहा भाई मैं तो सही जगह इमेज बना रहा हूं, तुम्हारा ही रेटिना पीछे चला गया. तो हम क्या करें, हमने देखा कि यार ज्यादा बेंडिंग हो गई, ज्यादा कन्वर्जेंस हो गया, इतना तो नहीं चाहिए था. तो हम इसकी करेक्शन के लिए यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, ताकि क्या हो कि जो दूर से लाइट आ रही है उसको ये पहले थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे, और जब डाइवर्ज करी हुई लाइट को ये लेंस कन्वर्ज करेगा तो वो थोड़ा पीछे मीट करेगी और रेटिना पे मीट कर जाती है. तो वो डिफरेंट डिफरेंट बंदों के हिसाब से ये लेंस का पावर पता लगाया जाता है. आप में से भी बहुत बच्चों ने अगर चश्मा बनवाया होगा तो आप शॉप पे गए होगे तो वो कई लेंस लगा लगा के चेक करता है कि इसमें क्लियर दिख रहा है कि इसमें क्लियर दिख रहा है कि इसमें क्लियर दिख रहा है. तो वो प्रॉपर पकड़ रहा होता है कि आपको कितनी पावर का ये लेंस लगा के दिया जाए ताकि ये जो रेज आ रही हैं ये रेटिना पे मीट करें. ठीक है, तो ये तीनों डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मायोपिया की करेक्शन में या मायोपिया को एक्सप्लेन करने. अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस का मतलब होता है दूर का दिखना. दूर का दिखना मतलब पास का ना दिखना. अब एक नॉर्मल आंख का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है ना. तो ये नॉर्मल आंख का यहां पे जो हमको नियर पॉइंट दिखाया है वो रहा ये. लेकिन एक हाइपरमेट्रोपिक आंख का जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा दूर खिसक जाता है. जैसे अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसका नियर पॉइंट थोड़ा 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाएगा, यानी मान लो 1 मीटर हो गया. अब 1 मीटर के अंदर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देगा. तो जो उसका नियर पॉइंट है यानी 1 मीटर, वहां से जो रेज आ रही है वो तो बिल्कुल सही मिल रही है. लेकिन अगर और अंदर आए, जैसे नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो आप देख रहे हो रेज जो है वो कहां मीट कर रही है, रेज मीट कर रही है रेटिना के पीछे. रेटिना के पीछे, उसमें मायोपिया में कहां कर रही थी, थोड़ा आगे, अब इसमें रेटिना के पीछे, यानी रेटिना पे मीट ही नहीं कर रही. तो हम इसको करेक्ट कैसे करें, पहले तो देखें पहले तो देखें कि ये होता क्यों है. ठीक,
द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आई लेंस बींग टू लॉन्ग, वहां पे फोकल लेंथ छोटी हो गई थी पावर बढ़ गई थी, यहाँ पे फोकल लेंथ बड़ी हो गई है पावर घट गई है, यानी आई लेंस जो है आपका पतला हो गया मोटा होने की बजाय। एंड आई बॉल बिकमिंग टू स्मॉल, हो सकता है आई बॉल छोटी हो गई और आपका रेटिना आगे शिफ्ट हो गया। ठीक, तो इसको कैसे करेक्ट करें? यहाँ पे हमने देखा यार बहुत कम कन्वर्जेंस हो रहा है, हमें ज्यादा कन्वर्जेंस चाहिए, तो हम क्या करें, इससे पहले चश्मे में क्या लगा लें, कॉन्वेक्स लेंस लगा लें, ताकि पहले ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करे और फिर आंख का लेंस और एक्वस ह्यूमर जो उन कन्वर्ज करी हुई रेज को कन्वर्ज करेगा और ज्यादा, तो रेटिना पे रेज जो है वो मीट कर जाएंगी। यानी मायोपिया की जो करेक्शन है वो है कॉन्केव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया की जो करेक्शन है वो है कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है पॉजिटिव, यानी अगर आप में से किसी के चश्मे की पावर पॉजिटिव है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया है, और अगर उसके चश्मे की पावर नेगेटिव है तो उसको मायोपिया है। एक थर्ड यहां पर डिफेक्ट की हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज द एज रिलेटेड विजन प्रॉब्लम कॉजिंग डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट। देखो हाइपरमेट्रोपिया ही है लेकिन इसका जो कॉज है वो डिफरेंट है। एज की वजह से अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है यानी पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इट रिजल्ट फ्रॉम द वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स एंड हेंस डिक्रीज इन द पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड रिड्यूस्ड फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द आई लेंस ओवर टाइम। ये क्यों होता है? हमारी सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रह जाती है पूरी उम्र, तो क्या होता है उनकी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने की जो एबिलिटी है वो वीक हो जाती है ऑब्वियसली, है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी आंख पास के ऑब्जेक्ट्स पे ढंग से फोकस नहीं कर पाती, सो दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। कैसे प्रेस बायोपिया करेक्ट करें? चश्मा लगा के करेक्ट करें, ठीक है ना, करेक्टिव आई लेंसेज लगाए, और कुछ केसेस में लोगों को दोनों होते हैं, मायोपिया भी है हाइपरमेट्रोपिया भी है या प्रेस बायोपिया और मायोपिया, तो वो बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस देखें आपने, बाइफोकल लेंस में एक ही लेंस के अंदर कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों होंगे, बीच में लाइन खींची होती है, दूर का ऐसे करके देखता है बंदा, पास का ऐसे करके देखता है ना, तक क्यों एडजस्ट करता है कि पास का देखना है तो सामने कॉन्वेक्स लेंस आ जाए, दूर का देखना है तो कॉन्केव लेंस आ जाए। ठीक, bifocal lenses incorporate both concave and convex lenses, the upper portion of the lens is concave, दूर का देखने के लिए अपर, पास का देखने के लिए लोअर, ऐसे पास का देखने के लिए ऐसे कर लेते हैं बंदे, है ना, क्योंकि नीचे जो लोअर पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है पास का देखने के लिए। Advantages of bifocal lenses, bifocal lenses provide clear vision at both distant and nearby ranges, users can switch between the two lens segment as needed for various tasks, जब जरूरत पड़े दूर का देख लो पास का देख लो bifocal lens। ठीक है, सो एक तरीके से ये एक पार्ट इस चैप्टर का खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, ये तो था ह्यूमन आई, अब आते हैं कलरफुल वर्ल्ड पे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है आप सबको पता ही होगा प्रिज्म क्या होता है, लेकिन डिफाइन करना मेरी ड्यूटी है तो मैं यहां पे उसको डिफाइन करूंगा। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू लेटरल सर्फेसिस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल, कम से कम दो तीन लेटरल सर्फेसिस ऐसे जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे चार लेटरल सर्फेसिस है और नीचे रेक्टेंगुलर बेस है, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास का बना हुआ होता है। द एंगल बिटवीन टू लेटरल सर्फेसिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म, दो लेटरल सर्फेसिस के बीच का जो एंगल है उसे क्या बोला जाता है, प्रिज्म का एंगल। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बच्चों जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करते हैं, व्हाइट लाइट जैसे सनलाइट हो गई, अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे, ये व्हाइट लाइट आई और ये प्रिज्म से पास हुई, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। सो दिस इज व्हाइट लाइट और फिर हमें प्रिज्म से पास करने के बाद 7 डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, आप जानते हो इसके बारे में, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिस्पर्शन होता क्यों है। डिस्पर्शन के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है एंगल ऑफ डेविएशन, तो पहले हम उसको समझ लें। ये प्रिज्म है, 2D में समझते हैं इसको हम, इजी रहेगा। यहां से लाइट रे आई, है ना, ये लाइट रे देख रहे हो, ठीक है। अब लाइट रे आई रेयरर टू डेंसर, है ना, एयर से ग्लास में गई, अब यहाँ पे नॉर्मल बना हुआ है और लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, ठीक। तो ये
अगर ये इसका पाथ था तो ये अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, देखो तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, अब जाएगी डेंसर टू रेयरर, अब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, तो ये नॉर्मल रहा ठीक है, और ये इसका पाथ था तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये बेंड कर गई है ना। तो आप ये देख रहे हो कि ये पहले प्रिज्म में जब घुसी तो भी प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड करी, और जब बाहर निकली तो और ज्यादा प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड करी, राइट। तो लाइट को भी बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है ना, तो लाइट को भी बेस पसंद है ठीक है। तो लाइट जो है वो प्रिज्म के बेस की तरह बेंड करेगी हमेशा। अच्छा, तो देखो प्रिज्म के प्रेजेंस की वजह से, लाइट के रास्ते में प्रिज्म के आने की वजह से कितना डेविएशन आया लाइट के पाथ में। ये रे ऐसे जा रही थी जब प्रिज्म में घुसी नहीं थी, और ऐसे बाहर निकल रही है जब प्रिज्म से निकल रही है। तो ये ऐसे और ऐसे है ना, बीच वाली छोड़ो भाई, प्रिज्म की वजह से कितना चेंज आ गया उसके पाथ में, पहले ऐसे थी और जब निकली तो ऐसे थी, तो कितना एंगल उसका बेंड हुआ ये है ना, इतना इतना बेंड हुआ ना। सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये है एंगल ऑफ इमरजेंस जो आपकी इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आई डी ए और ई के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो क्लास 12th में आप डिराइव करोगे, एंगल ऑफ डेविएशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, और वी कैन राइट दैट एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस। तो आप इस रिलेशन को याद रख सकते हो। अब क्या होता है बच्चों, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पे। अब लाइट की वेवलेंथ का मतलब होता है कलर। जैसे साउंड की बात करें तो साउंड में अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है तो अलग अलग उसकी पिच होती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड तीखा होता है, तीखा ऐसे, कम फ्रीक्वेंसी का साउंड ऐसा होता है, भारी है ना। तो जब साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसकी पिच बदल जाती है, ऐसे ही जब लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है तो हमें जो उसकी प्रॉपर्टी नजर आती है वो है कलर। तो रेड कलर की लाइट डिफरेंट क्यों है येलो से, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग है, और ब्लू कलर की लाइट ग्रीन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग है। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ये आप चीज प्रूव करोगे क्लास 12th में ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां अगर आपको अभी जानने की इच्छा है तो क्लास 12th के मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, क्लास 11th और 12th का भी चैनल है मंदीप एजुकेशन अकेडमी के नाम से, तो आप वहां पे जाके सीख सकते हो, वहां पे मैंने सिखाया। बट एज अ क्लास 10 स्टूडेंट आपको जरूरत नहीं है, आप जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा ईगर हो जानने के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चों ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ठीक है, और क्योंकि डिफरेंट कलर मतलब डिफरेंट वेवलेंथ, तो जब व्हाइट लाइट घुसती है तो सातों वेवलेंथ का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अलग होता है, तो वो अलग अलग एंगल पे डेविएट करते हैं ना, तो कोई यहां से बाहर निकलेगा कोई यहां से बाहर निकलेगा, तो क्या होता है स्प्लिट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि एंगल ऑफ डेविएशन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसमें एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। और जो सात कलर्स होते हैं आप जानते हो वो होते हैं विबग्योर, तो विबग्योर में अगर आप वायलेट से रेड की तरफ चलोगे तो वेवलेंथ बढ़ती है, यानी कि रेड से वायलेट की तरफ चलोगे तो वेवलेंथ घटती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की, और एंगल ऑफ डेविएशन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ होती है रेड की तो वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की तो वो सबसे कम बेंड होता है, और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की तो वो सबसे ज्यादा बेंड होता है। इसलिए क्या होता है कि स्क्रीन पे जैसे ये सपोज ये स्क्रीन है, जैसे ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वो सबसे कम बेंड हुआ तो वो सबसे ऊपर मिलता है। ऑब्वियसली जो कम बेंड होगा वो ऊपर मिलेगा, जो ज्यादा बेंड होगा वो नीचे मिलेगा, और वायलेट कलर जो है वो स्क्रीन में सबसे नीचे मिलता है ठीक है, बिकॉज एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, राइट। एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ठीक। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, बच्चों एक प्रिज्म ऐसा रखोगे एक ऐसे उल्टा करके रखोगे तो व्हाइट लाइट आएगी स्प्लिट करेगी, और वो इस तरीके से अगर ये आइडेंटिकल प्रिज्म्स हैं दोनों की पावर बराबर है, एक होती है पावर ऑफ डिस्पर्शन ठीक है, या डिस्पर्सिव पावर कि वो प्रिज्म व्हाइट लाइट को कितना डिस्पर्स करता है, कितना उसमें पावर है व्हाइट लाइट को सेवन कलर्स में स्प्लिट करने की, तो अगर इन दोनों की डिस्पर्सिव पावर बराबर है
और इसको उल्टा रखा हुआ है, तो व्हाइट लाइट रिकम्बाइन हो जाएगी, जितना सात कलर यहाँ पे ब्रेक होंगे फिर दोबारा उल्टे वापस जुड़ जाएंगे और वापस आपको व्हाइट लाइट मिलेगी। तो दो लेंस लगा के वी कैन रिकम्बाइन द लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टू गेट द व्हाइट लाइट। रेनबो, बच्चों रेनबो क्यों बनता है? रेनबो बनता है जब आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनका अगर आप शेप देखो, जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनकी शेप देखो तो लगभग प्रिज्म जैसी है, है ना? वाटर ड्रॉपलेट्स की जो शेप है वो आप नियरली देखो प्रिज्म जैसी है। प्रिज्म भी ऊपर से पतला है नीचे से मोटा है, वाटर ड्रॉपलेट भी आपकी ऊपर से पतली है नीचे से मोटी है। तो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो प्रिज्म का काम करती है। सनलाइट, रेन के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा है ना ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो सनलाइट जब रेन के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में से पास होती है तो सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और स्काई जो है वो स्क्रीन का काम करता है और हमें सात डिफरेंट कलर्स का रेनबो दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि होता क्या है। बच्चों होता यह है कि ये आपकी आई सनलाइट है ना, ये रेन ड्रॉप है, हमने स्फेरिकल दिखाया टू कीप थिंग्स सिंपल। अब ये यहाँ पे सबसे पहले तो एंटर करती है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन दूसरे सरफेस पे एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हमने टेंथ में नहीं पढ़ा बट ट्वेल्थ में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि रिफ्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि लाइट दूसरे मीडियम में बाहर निकलने की बजाय वापस उसी मीडियम में आ जाती है। आप सोचो ना कि जैसे यहां से ये लाइट रे जा रही है ना, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई, यहां से थोड़ा मान लो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, थोड़ा बड़ा बना दूं, ये डेंसर मीडियम है ये रेयर मीडियम है ना, तो लाइट रे गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, फिर ये लाइट रे गई तो ये और ज्यादा बेंड हो गई, तो आप सोचो और दूर जाएगी या इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना डिफरेंस हो तो लाइट इतनी ज्यादा बेंड भी हो सकती है कि दूसरे मीडियम में जाए ही ना। सो दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लास ट्वेल्थ में इसकी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर दूसरे सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फिर इस सरफेस पे दोबारा से रिफ्रैक्शन होता है और आपकी आंख पे लाइट आती है। आपको यहाँ पे रेड कलर दिखेगा, यहाँ वायलेट दिखेगा और बीच में बाकी के कलर्स दिखेगा, ठीक है? ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है। जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर थिन होती जाती है, डेंसिटी कम होती जाती है और ये डेंसिटी भी बदलती रहती है, हवा चलती है या वाटर वेपर कहीं बढ़ गए कहीं कम हो गए, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, स्मोक के पार्टिकल्स हैं। तो क्या होता है जब लाइट इस एटमॉस्फेयर से पास होती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है एंड दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उस पे बेस्ड बहुत सारे फिनोमिना हैं जो आपको क्लास टेंथ में पढ़ने हैं इस चैप्टर में। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट्स डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग एज वी मूव अप और डाउन। ड्यू टू दिस व्हेन लाइट रेज पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर दे अंडरगो रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by these layers is called atmospheric refraction. पहला इफेक्ट क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार्स जब आप देखते हो तो आपको ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जब आप देखते हो आसमान में तो आपको ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं। सर प्लैनेट दिखाई ही नहीं देते हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि ये स्टार है कि प्लैनेट है। तो बच्चों आज नाइट स्काई में जाना, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसी सिटी में रहते हो जहां पॉल्यूशन नहीं है, दो तीन आपको दिखेंगे, मार्स दिखता है, वीनस दिखता है और वो ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे और एज कंपेयर टू बाकी स्टार्स उनका साइज थोड़ा बड़ा होगा। तो प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं बट स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं। उसका कारण क्या है? स्टार्स हैं बहुत दूर, तो स्टार्स हैं बहुत छोटे, दिखते हैं बहुत छोटे हैं, तो बहुत बड़े लेकिन बहुत दूर होने की वजह से बहुत छोटे दिखते हैं, तो हम उनको मान सकते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स मतलब एक सिंगल पॉइंट के बराबर। अब उससे जो लाइट आती है वो एक सिंगल बीम सी आ रही है। अब वो बीम जब एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स से गुजरती है ना, तो उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। अब डिफरेंट लेयर्स की जो डेंसिटी है, कभी जब डिफरेंट लेयर से लाइट आ रही है तो कहीं पे डेंसिटी किसी चीज की ज्यादा है, कहीं वाटर वेपर ज्यादा है, कहीं पे एयर ज्यादा है, कहीं पे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम है, कहीं ज्यादा है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स डेंसिटीज की लेयर्स से वो लाइट पास होती है ना, जब हमारी आंख तक आती है। तो क्या होता है कि कभी तो हमारी आंख पे इंटेंसिटी उस लाइट की कम पहुंचती है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, तो हमें ऐसे स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं।
लेकिन प्लैनेट्स है बहुत पास, ऐसे तो नहीं दिखते हैं, जस्ट ये तो शोबाजी के लिए लगा है, अच्छा दिखता है कलरफुल, ऐसे नहीं दिखते हैं, स्टार्स की तरह ही दिखते हैं, पर थोड़े बड़े दिखते हैं साइज में, लेकिन ट्विंकल नहीं करते हैं। तो क्यों? क्योंकि अब जैसे हमने एक डॉट बनाया, अब आप ये मानो कि जो आपका स्टार है, सॉरी जो आपका प्लैनेट है, वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, तो उसको बहुत सारे डॉट्स की कलेक्शन मान सकते हो आप, है ना, बहुत सारे डॉट्स की, माइली सा बन गया है, बहुत सारे डॉट्स की कलेक्शन मान सकते हो। अब सारे डॉट्स के साथ, सारे डॉट्स से एक बीम की तरह लाइट आ रही है, और उनके साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो एक बीम के साथ हो रहा था, बट क्योंकि इतने सारे डॉट्स से आ रही है, तो अगर कोई एक आधी बीम की इंटेंसिटी अगर कम भी हो गई तो दूसरी की ज्यादा हो जाएगी, है ना, और अगर उसकी कम हो गई तो तीसरी की ज्यादा हो जाएगी, तो आपको ओवरऑल ये सारे, कोई कम हो रहा तो कोई ज्यादा हो रहा, तो ओवरऑल ट्विंकलिंग इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा और आपको दिखेगा कि एक कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी की लाइट आ रही है प्लैनेट से, समझे। जैसे जैसे शॉवर है, शॉवर देखते हैं, नहाने वाला शॉवर, उसमें होल्स होते हैं, है ना, अब क्या है कि उसमें 50 होल्स हैं, अब शॉवर में जो पीछे से पानी का प्रेशर आ रहा है वो थोड़ा इस तरीके से है कि 50 में से एक होल से पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक होल से पानी नहीं आ रहा तो दूसरे से आ रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंद हो गया तो पहले से आने लगा, तो आप, आपके लिए तो हर बार मान लो ऐसा है कि 5 होल्स बंद रहते हैं और 45 होल्स से पानी आता है, लेकिन वो 5 होल्स जो हैं वो, ये वाला होल बंद हो गया तो दूसरा चालू हो गया, ये वाला होल बंद हो गया तो तीसरा चालू हो गया, तो आप, आपके लिए तो हर बार 45 होल्स से पानी आ रहा है ना, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि पानी की जो इंटेंसिटी है उसमें कुछ चेंज आ रहा है ना, तो यही चीज होती है यहां पर भी। तो एक बार इसको रीड कर ले, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक की लैंग्वेज में आपको इसे लिख कर आना होगा। Stars twinkle because of the Earth's atmosphere and its optical density. The air is made up of different layers with varying densities, which causes the straight starlight to bend or refract in various directions. These fluctuations in the light's path create the twinkling effect as we observe stars from the ground. Planets are of larger size and much closer to Earth, so they can be considered as collection of large number of point size sources of light. The total variation in the amount of light entering our eye from all these individual point size sources will average out to zero. Total intensity mein jo change ho raha hai wo zero ho jayega, which nullifies the twinkling effect. Clear? Next is, star seems higher than they actually are. स्टार्स की एपरेंट पोजीशन है, थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, एक्चुअली में उतना ऊपर होते नहीं है, एटमॉस्फेरिक की रिफ्रेक्शन की वजह से ऐसा होता है। ये हमारे स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, आप नाइट स्काई में एक तारा है जो एक्चुअली यहां पर है। अब देखो जब उससे लाइट आएगी तो ऊपर वाली जो लेयर्स है उनकी डेंसिटी तो कम है, नीचे वाले की ज्यादा है, तो हर बार लाइट रेयरर टू डेंसर टू डेंसर टू डेंसर ऐसे एंटर करेगी, तो लगातार उसमें बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहां से हम देख रहे हैं तो हमारी आंख की एक प्रॉपर्टी है कि हम बेंडिंग नहीं पकड़ पाती हमारी आंख, फाइनली हमारी आंख पे लाइट इस डायरेक्शन से आई है तो मेरी आंख को तो यही लगेगा कि सीधा इसी तरफ है वो ऑब्जेक्ट, मेरी मतलब तुम सबकी, तो हमें ये स्टार यहां दिखाई देगा और ऑब्वियसली वो पोजीशन जो है इससे थोड़ी ऊपर है, तो ये बेंडिंग की वजह से हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, तो एपरेंट पोजीशन जो होती है स्टार की वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी ऊपर होती है, ठीक। As light from the star enters Earth's atmosphere, it undergoes refraction and bends towards the normal each time due to atmospheric refraction. Therefore, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. The stars appear to be slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. Next है advanced sunrise and delayed sunset. बच्चों क्या होता है, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से हमें सनराइज जल्दी दिखने लगता है और सनसेट होने के बाद भी सन दिखने लगता है। क्या कह रहा हूं मैं, अजीब सी बात अभी बताता हूं। देखो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, ये अर्थ है और ये लेयर्स देख रहे हो, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये हमारी रही होराइजन लाइन, ठीक। अभी सनराइज हो रहा है और सन हमारा होराइजन से नीचे है तो ऑब्वियसली हमारे लिए सनराइज नहीं हुआ, लेकिन इससे जो लाइट आएगी वो जैसी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब यहां पे जो ऑब्जर्वर है
उसकी आंख तो बेंडिंग पकड़ नहीं पाएगी, तो उसे लगेगा कि ये लाइट रे यहां से आ रही है, तो उसे यही सन यहां दिखाई देगा, यानी होराइजन से ऊपर, तो उस सनराइज हुआ नहीं है और उसको सन दिखाई देने लगा। सिमिलरली सनसेट के टाइम पे भी यही होगा कि सनसेट हो चुका है लेकिन फिर यहां से जो लाइट आ रही है वो बेंड करके ऐसे जा रही है, तो यहाँ के ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो लाइट यहां से आ रही है, तो सनसेट हो चुका पर उसको सन दिखाई देता रहेगा। इन दोनों इवेंट्स के बीच में दो दो मिनट का गैप होता है, यानी दो मिनट पहले सन दिखाई देना शुरू हो जाता है और दो मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, तो चार मिनट जो है डे की लेंथ बड़ी हो जाती है जितनी होनी चाहिए उससे एटमॉस्फेयर की वजह से। द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन। व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होराइजन, सनलाइट कमिंग फ्रॉम लेस डेंस टू मोर डेंस एयर इज रिफ्रेक्टेड डाउनवर्ड्स। बिकॉज ऑफ दिस द सन अपीयर्स टू बी रेस्ड अबव द होराइजन, सो सन कैन बी सीन 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। सिमिलरली द सन कैन बी सीन 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, ये डायग्राम आपको बनाना है और ये एक्सप्लेनेशन लिखना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है बच्चों? स्कैटरिंग का मतलब है फैलना। तो लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, इनके साथ कोलाइड करती है और फैलती है। इसी फैलने की वजह से उजाला होता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आपको अंधेरा नजर आएगा हर तरफ, चाहे सन सामने हो भी। मून पे आपने एस्ट्रोनॉट्स की पिक्स देखी होंगी, पीछे हर तरफ अंधेरा रहता है। वो क्या सारी रात में ली गई है? नहीं ना, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो रही लाइट की, तो उजाला नहीं हो रहा है। ठीक, तो लाइट नहीं दिखती है, लाइट के रास्ते में जब कोई पार्टिकल आता है लाइट उससे टकराती है तो फिर दिखाई देती है। अब आपको पता है मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब आसमान में जब आप रात को मून देखते हो तो मून चमक रहा है, आपको पता वो इसलिए चमक रहा है क्योंकि उस पर सन की लाइट पड़ रही है, लेकिन सन की लाइट उस पर किसी तरफ से आकर गिर रही होगी ना, पर आती हुई तो नहीं दिखती क्योंकि मैं लाइट नहीं दिखती। अब लाइट ने जब मून को स्ट्राइक किया तो मून दिखता है, तो लाइट किसी चीज को जब स्ट्राइक करती है तो फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। राइट, अब स्कैटरिंग डिपेंड करती है साइज पे। जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो छोटी वेवलेंथ की लाइट स्कैटर करते हैं और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो बड़ी वेवलेंथ की लाइट स्कैटर करते हैं। और जनरली एटमॉस्फेयर में छोटे पार्टिकल्स ज्यादा हैं, बड़े पार्टिकल्स कम हैं, तो ब्लू कलर जो है यानी छोटी वेवलेंथ की जो लाइट है वो ज्यादा स्कैटर होती है। एक ये फॉर्मूला यहाँ पे जो मैंने लिखा है क्लास 12th में पढ़ोगे, अभी आपको करना नहीं है, कि किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी है स्कैटरिंग की वो वेवलेंथ की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी कम होगी। जैसे रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वो सबसे कम स्कैटर करेगा, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है तो वो ज्यादा स्कैटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये माना जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग की बात हो रही है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं। अगर बड़े पार्टिकल होंगे तो ऑब्वियसली रेड कलर की लाइट भी स्कैटर करेगी। तो पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में अगर होता है तो वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को अच्छे से स्कैटर कर पाता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। ऐसे ऑब्जेक्ट से लाइट टकराई, बूम, फैल गई। The color of the scattered light depends on the size of scattering particle and wavelength of the light. Very fine particles scatter mainly blue light, छोटे particle छोटी wavelength की light, while particles of larger size scatter light of longer wavelength, that is red light. ठीक है, और अगर अगर particle का size बहुत ही बड़ा हो, अगर particle का size बहुत ही बड़ा हो तो वो सारे कलर्स की लाइट को एक साथ स्कैटर करेगा तो हमें वो व्हाइट दिख सकता है। जैसे क्लाउड्स जो है वो सारे कलर्स को एक साथ स्कैटर करते हैं तो हमें क्लाउड्स क्या दिखाई देते हैं? व्हाइट दिखाई देते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले को जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं लिख लाया था, आपको करने की जरूरत नहीं। टिंडल इफेक्ट, 9th में आपने पढ़ा है टिंडल इफेक्ट के बारे में, कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जो एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन जिसके सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, जैसे सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन। एक है कोलाइडल सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, जैसे पेंट हो गया है ना, जैसे मिल्क हो गया, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन से जब लाइट पास करती है, क्योंकि उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, तो लाइट क्या करती है उस
स्कैटर हो जाती है उसके सॉल्यूट पार्टिकल से टकरा के, एंड दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक, ये लाइट आई, ये ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें आपको लाइट की बीम दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो स्कैटर नहीं हुई, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट की बीम पास हुई तो उसने स्कैटर किया और वो विजिबल हो गई, आपको दिखने लगी लाइट। ठीक, व्हेन लाइट एनकाउंटर्स दीज पार्टिकल्स, पहले हम ये वाली लाइन भी पढ़ लें, The Tyndall effect, also known as Tyndall scattering, is a phenomena observed when light passes through a transparent medium containing small particles or droplets that are larger than the wavelength of visible light. When light encounters these particles in the medium such as dust, smoke, fog, or even colloidal suspension, it gets scattered in various directions. The scattered light becomes visible as a cone or a beam of light when viewed from the side, making the path of light through the medium easily visible. The Tyndall effect is responsible for several natural phenomena such as blue color of the sky. Sky blue क्यों दिखाई देता है? क्योंकि sky में बहुत छोटे-छोटे particles हैं, है ना? जैसे आपके dust particles हो गए, smoke particles हो गए, तो वो छोटी wavelength की light यानी blue color की light को ज़्यादा scatter करता है और बड़ी wavelength की lights को कम scatter करता है, इसलिए sky जो है वो blue दिखाई देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो पढ़ लेते हैं। द अर्थस एटमॉस्फेयर कंटेन्स टाइनी मॉलिक्यूल सच एज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एज वेल एज अदर पार्टिकल्स एज वाटर ड्रॉपलेट्स। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर इट कोलाइड्स विद दीज मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स। बिकॉज द ब्लू कलर ऑफ लाइट हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ, इट स्कैटर्स मोर इजिली देन द अदर कलर्स विच हैव लॉन्गर वेवलेंथ। एज अ रिजल्ट the blue light from the sun is scattered in all directions by the atmosphere and it becomes scattered sunlight. When we look up at the sky, we see the scattered blue light coming from all around the atmosphere. This gives the sky its characteristic blue color. And last thing is, why sun appears reddish at the time of sunrise and sunset? Sunrise or sunset ke samay pe sun jo hai wo red kyun dikhai deta hai? बच्चों देखो, जब सनराइज हो रहा है तो सन होराइजन के पास होता है, होराइजन के पास जब सन होगा तो उससे जो लाइट रे आएगी, आप देख रहे हो वो एटमॉस्फेयर में कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इतने ज्यादा डिस्टेंस में सारे स्कैटर हो जाएंगे कलर जो स्कैटर हो सकते थे, यानी शॉर्टर वेवलेंथ वाले, ब्लू भी स्कैटर हो गया। विबग्योर देखो, विबग्योर में आप देखो छोटे वेवलेंथ के वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब स्कैटर हो गए। ऑरेंज या रेड बचा, इनफैक्ट रेड बचा क्योंकि वो तो स्कैटर नहीं हुआ, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना एटमॉस्फेयर में, तो रेड को तो वो स्कैटर नहीं कर पाए, तो सारे स्कैटर हो गए, फैल गए, इधर उधर हो गए, तो हमारी आंख तक कौन सा कलर पहुंचता है? रेड कलर पहुंचता है। तो हमें सनराइज के टाइम पे सन क्या दिखता है? रेड कलर का दिखता है। लेकिन आप देख लो, दोपहर में सन होगा ठीक ऊपर, और जब सन ऊपर है तो कितना छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे सन रेस एटमॉस्फेयर में, इतने छोटे से डिस्टेंस पे तो कोई भी कलर जो है वो ठीक से स्कैटर नहीं हो पाएगा, तो सारे कलर आपकी आंखों तक पहुंच जाएंगे, तो जब सारे कलर एक साथ आपको दिखाए जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देता है? व्हाइट कलर दिखाई देता है। तो दिन में सन व्हाइट दिखाई देगा, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे जब सन रेस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर में, तो सन आपको रेड दिखाई देगा। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर और बिलो द होराइजन, सो इट्स लाइट्स हैज टू पास थ्रू अ थिकर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंपेयर्ड टू व्हेन इट इज डायरेक्टली ओवरहेड एट नून। एज सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, मोर ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ कलर्स लाइक ब्लू एंड ग्रीन आर स्कैटर्ड अवे ड्यू टू रिले स्कैटरिंग। ये जो स्कैटरिंग है, रिले स्कैटरिंग भी बोलते हैं इसको, 12th में डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे, अभी आप नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। लीविंग बिहाइंड द लॉन्गर वेवलेंथ कलर्स लाइक रेड, ऑरेंज एंड येलो। राइट, क्लियर। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेना, एग्जाम्पलर कर लेना और नोट्स डाउनलोड कर लेना। मंदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।